ऑफिस से निकलने के बाद माँ को ऑटो में बिठा दिया था, लेकिन रात को जब अर्पिता और गौरव घर पहुंचे तो माँ वहां नहीं थी। उनको फोन मिलाया तो वो भी स्विच ऑफ बता रहा था। गौरव ने अर्पिता से पूछा, माँ से घर पहुंचने के बाद बात तो हो गई थी ना तुम्हारी? अर्पिता से कोई जवाब देते नहीं बना, क्योंकि ऑफिस में हुए बवाल की वजह से उसके दिमाग में से बिल्कुल निकल गया था कि दिन भर से माँ से बात ही नहीं हुई है। गौरव अर्पिता का जवाब ना पाकर सब समझ गया। उसे अर्पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये सोच करके लड़ने से अभी सिर्फ टाइम ही बर्बाद होगा, वो बोला, जल्दी से उस कैब वाले को फोन करो जिसमें माँ को बिठाया था तुमने। अर्पिता डरते हुए बोली, कैब बुक नहीं हो रही थी इसलिए ऑटो में बिठा दिया था। अब गौरव का धैर्य जवाब दे गया। वो अर्पिता पर चिल्लाते हुए बोला, कितनी गैर जिम्मेदार लड़की हो तुम, लोग दूसरों के साथ भी गलती से ऐसा नहीं करते और तुम्हें दिन भर अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। गलती मेरी है, तुम्हारे भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था माँ को। अरे चिल्ला क्यों रही हो, और गलती तो तुम्हारी ही है। एक तो माँ को ऑफिस दिखाने का प्लान जबरदस्ती बनवा दिया तुमने। वो मेरी माँ है, मुझे पता है अगर वो कहीं है तो चीजें नॉर्मल नहीं होती है, इसलिए मैं तो ले जाना भी नहीं चाहती थी उन्हें। और मुझे ऑफिस में काम नहीं होता क्या? स्पेशली आज तो और भी ज्यादा काम था। निकल गया दिमाग से मेरे, हाँ हो गई मुझसे गलती, पर दिन में तुम भी तो माँ को फोन कर सकते थे ना ये पूछने के लिए कि वो घर पहुंची है या नहीं। और वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, कल उन्होंने ही मुझे कहा था ना कि स्टेशन से घर तक अकेले आ गई थी, तो ऑफिस से भी आ सकती थी। और तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे मेरी माँ की फिक्र नहीं है? है मुझे फिक्र, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बावरी नहीं हो जाती हूँ टेंशन में, अर्पिता गुस्से में बोली। गौरव बोला, एक बार यहाँ सोसाइटी में देख लेते हैं, क्या पता यहीं कहीं हो। दोनों ने माँ को हर जगह ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। अर्पिता बीच बीच में माँ का नंबर डायल करती रही, लेकिन उनका फोन अब तक बंद आ रहा था। अर्पिता बोली, पुलिस स्टेशन चले। गौरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कार लेकर आता हूँ पार्किंग से, तुम यहीं रुको। वो कार लेकर निकले ही थे कि रास्ते में अर्पिता का फोन बजा, तो उसने देखा कि माँ का फोन था। उसने झट से फोन उठाया और उठाते ही बोला, कहाँ हो माँ, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, हेलो, हाँ मैडम, ये फोन हमारे ऑटो में रह गया, बंद हो गया था तो चार्ज करके शुरू किया दोबारा, आपकी बहुत सारी मिस कॉल थी तो आपको फोन कर दिया, आप ले जाओ आकर। अर्पिता आवाज सुनकर थोड़ी चौंकी, लेकिन ऑटो वाले की बात सुनकर बोली, भैया सुबह मैंने अपनी माँ को साइबर हब से आपके ऑटो में बिठाया था ना, तब गिर गया होगा उनका फोन, आपने उन्हें कहाँ छोड़ा था? वो सुबह से घर नहीं आई है, प्लीज हेल्प कीजिए मेरी। अर्पिता की बात सुनकर गौरव ने कार रोड के साइड पर लगाई और उसे फोन स्पीकर पर रखने को कहा। अर्पिता ने फोन का स्पीकर ऑन किया। ऑटो वाला बोला, मैडम उन्हें राजीव नगर में गुफा वाले शिव मंदिर के बाहर छोड़ा था। गौरव और अर्पिता एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। गौरव ऑटो वाले से बोला, पर भैया आप श्योर हो ना कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं आप भी उन्हीं के बारे में हमें बता रहे हो? अरे सर, आपकी माता जी को भूल पाना आसान थोड़ी है, हमारी पूरी जिंदगी में हमें पहली बार ऐसी सवारी मिली थी और हम माता जी को वहाँ उतार कर शिव भगवान से ये मांग कर आए हैं कि कभी ऐसी सवारी दोबारा हमें ना मिले। ऑटो वाला परेशान होते हुए बोला। अर्पिता चढ़ते हुए बोली, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, और वहाँ क्यों उतारा आपने उन्हें, मैंने आपको एड्रेस बताया था ना। मैडम जी उन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते, आपकी माता जी ने हमें पूरे रास्ते भर परेशान कर दिया, उनको लगा कि हम उन्हें कहीं और ना ले जाएं, इसलिए रास्ते में 10 बार उन्होंने ऑटो बीच में रुकवाकर रास्ते चलते लोगों और दुकान वालों से रास्ता कंफर्म किया। अरे हम ऑटो चला कम रहे थे, रोक ज्यादा रहे थे, 20 मिनट के रास्ते में हमें 35 मिनट लग गए मैडम जी। ऊपर से वो हमें डरा रही थी कि अगर हमने उन्हें सही सलामत घर नहीं छोड़ा तो वो हमें शिव भगवान से श्राप दिलवा देंगी, बोल रही थी कि उन्हें जादू टोना करना आता है,
वो तो भगवान की कृपा से वो शिव मंदिर देखकर बीच में ही उतर गईं। वहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा था। जितने पैसे उन्होंने दिए हमने बिना बहस किए चुपचाप ले लिए और उन्हें छोड़कर एक सेकंड रुके बिना वहाँ से निकल गए। अर्पिता बोली, ठीक है भैया, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, वहाँ आकर आप कल फोन दे जाना, आपके जो पैसे बनेंगे मैं वो आपको दे दूंगी। ऑटो वाला डरता हुआ बोला, मैडम जी वहाँ वो माता जी तो नहीं मिलेंगी ना। अर्पिता झुंझलाकर बोली, अरे नहीं यार, मेरे ऑफिस का एड्रेस दे रही हूँ, लिखो। एड्रेस देकर अर्पिता ने फोन काटा और गौरव को शिव मंदिर चलने को कहा। गौरव कार चलाते हुए बोला, ये जादू टोना का क्या चक्कर है? कुछ नहीं, माँ ने उसे डराने के लिए बोला होगा। माँ ये क्राइम शोज इतने ज्यादा देखती हैं कि पूरे टाइम एक्स्ट्रा अलर्ट रहती हैं। उस दिन देखा नहीं था कैसे हमारे दरवाजा ना खोलने पर हमारा मर्डर ही करवा दिया था उन्होंने। अब बस माँ मंदिर में मिल जाए बाबा जी, अर्पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मंदिर पहुंचने पर अर्पिता और गौरव ने देखा कि मंदिर बंद हो चुका था। उन्होंने मंदिर के आसपास देखा लेकिन माँ कहीं नहीं थी। गौरव बोला, पहले माँ को ऐसे ही किसी ऑटो में भेज देने की गलती की तुमने और उसके बाद रही सही कसर माँ ने पूरी कर दी। सीधा घर जाना चाहिए था उन्हें, पता नहीं क्या हुआ होगा, उनके पास तो फोन तक नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी ना एक जैसी हो, गैर जिम्मेदार। अर्पिता चिढ़ते हुए बोली, आज ही सीखे हो क्या ये नया शब्द गैर जिम्मेदार? 50 बार इस्तेमाल कर चुके हो और कल तक तो बहुत पट रही थी माँ से तुम्हारी, बड़ा याराना हो रहा था, थोड़ा हाथ पैर क्या हिलाना पड़ गया, माँ में भी खोट नजर आने लगा। अरे करना क्या चाहते हो तुम जिंदगी में, पहले डिसाइड कर लो तुम कि कौन अच्छा है और कौन खराब। हाँ हाँ पहले लड़ लेते हैं, माँ तो अपने आप आ ही जाएंगे, अब क्या करना है ये बताओ, कोई उन्हें बेवकूफ बनाकर कहीं ले तो नहीं गया? गौरव ने परेशान होते हुए कहा। अर्पिता पीछे की तरफ मुड़ी तो देखा कि वहां फूलों की एक दुकान थी। दुकान देखकर अर्पिता बोली, मेरी माँ बेवकूफ नहीं है और उन्हें कोई पागल नहीं बना सकता, वो कोई गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, कोई उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा ना तो वो उल्टा उसी का बैंड बजा देंगी। पता है वो वहाँ बनारस में उन सभी फूल वालों को झाड़ देती थी जो मंदिर में से चढ़े हुए फूल लाकर उन्हें दोबारा बेचते थे, उन्हें हर सिचुएशन में क्राइम नजर आता है। पीछे दुकान पर उनकी बातें सुन रहा लड़का बोला, दीदी आपकी मम्मी ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी क्या? अर्पिता खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ हरे रंग की साड़ी पहनी थी उन्होंने, तुमने देखा उन्हें किस तरफ गई है वो? हाँ दीदी, उन्होंने मेरे बगल वाली दुकान से फूल लिए थे, दुकान वाले ने अच्छे फूलों के बीच सड़े हुए फूल डाल दिए तो आंटी ने उन्हें बहुत डांटा, इतना कि वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और आंटी को फ्री में फूल दे दिए। शाम को जब वो आंटी मंदिर से बाहर जा रही थी ना तो एक तेज स्पीड में आ रही कार से उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर एक आदमी उन्हें अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। फूल वाला लड़का बोला, एक्सीडेंट शब्द सुनते ही अर्पिता घबरा गई और बोली, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें, बहुत ज्यादा तो नहीं लगी ना उन्हें? गौरव ने अर्पिता को संभाला। फूल वाला लड़का बोला, वो तो पता नहीं पर यहाँ से सबसे नजदीक हॉस्पिटल पीछे वाले रोड पर है, आप वहाँ देख लो। गौरव और अर्पिता झट से कार में बैठे और मैप पर हॉस्पिटल का रास्ता लगाया। कार की कम स्पीड देखकर अर्पिता बोली, अब क्या कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए कि इमरजेंसी है जल्दी चलाओ? हॉस्पिटल माँ को लेने जाना है ना कि खुद एडमिट होने, चुप रहो। गौरव अर्पिता को चुप करते हुए बोला। अर्पिता हड़बड़ाई, बाबा जी माँ को ठीक रखना और हॉस्पिटल वालों को भी। जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तब रिसेप्शन पर जाकर अर्पिता ने पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ शाम को एक एक्सीडेंट केस में किसी लेडी को एडमिट किया गया है क्या? ग्रीन कलर की साड़ी में थी वो, बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी। सुमन देवी, रिसेप्शनिस्ट ने नाम पूछा। हाँ हाँ कहाँ है वो, कहाँ एडमिट है? अर्पिता ने पूछा। एडमिट थी, अब नहीं है, थोड़ी देर पहले गई वो, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लिया था, डॉक्टर उन्हें सेलाइन लगा रहे थे तो बोलने लगी क्या जरूरत है, डॉक्टर बोला हमारे काम करने दो जी, तो वो उल्टा डॉक्टर पर ही चढ़ गई, डॉक्टर को ही डांट दिया, कोई टेस्ट भी नहीं करने दिया जी,
बोला कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऐसे ही लूटते होंगे जी लोगों को, मरे हुओं को भी नहीं छोड़ते, लोगों के गुर्दे तक बेचते हो। वो हमें धमकाने लगी तो जबरदस्ती रोका तो हमारा वीडियो बनाकर वायरल कर देगी। हम तो अपना काम कर रहे थे ना मैम। अब पेशेंट आएगा इमरजेंसी में तो उसे चेक तो करेंगे ना, पर हमने तो उन्हें हाथ जोड़कर यहाँ से जाने दिया जी। रिसेप्शनिस्ट ने मुंह बनाकर जवाब दिया। गौरव ने अर्पिता की तरफ देखा और फिर गर्दन हिलाते हुए रिसेप्शनिस्ट से बोला, बिल कितना हुआ बता दीजिए, मैं भर देता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, बिल हो गया सर, पेशेंट को जो लाया था उन्होंने पे कर दिया। इसके बाद गौरव और अर्पिता हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए अर्पिता बोली, शराफत के पुजारी, पैसे लुटाने का बहुत शौक है तुम्हें। अरे इस तरह आगे बढ़कर कौन पूछता है बिल के लिए, कोई अपना पैसा नहीं छोड़ता। अगर उनको पैसा नहीं मिला होता ना तो खुद मांग लेते वो, और हमको देखकर ऐसे गर्दन काहे झटक रहे थे अपनी। सारे कांड और सियापे माँ कर रही है और तुम हम पर फट रहे हो। और माँ ये नहीं कि एक जगह टिक कर बैठ जाए, अरे पूरा गुरुग्राम का चक्कर लगवा दिया, किसी के फोन से एक फोन तक तो कर देती। अब बैठ कर ढूंढो क्लू नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। पता नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि अभी थोड़ी देर पहले ही गई है तो यही होंगी। तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ, गौरव परेशान होते हुए बोला। अर्पिता और गौरव यहाँ वहां माँ को ढूंढने लगे। तभी अर्पिता के फोन पर ऋत्विक का कॉल आया। अर्पिता बड़बड़ाई, मिल गया अब टाइम राजा जी को। अर्पिता माँ की वजह से पहले ही परेशान थी, इसलिए उसने फोन उठाया और ताना मारते हुए कहा, दिन भर तुम बिजी थे, अब हम थोड़ा बिजी हैं। अगर कोई आपातकाल ना हो तो बाद में बात करें तुमसे। श्योर, एक्चुअली वो तुम्हारी मिस्ड कॉल्स थी इसलिए किया, सॉरी उठा नहीं पाया, कुछ इमरजेंसी आ गई थी। यू कैरी ऑन, बाद में बात करते हैं, ऋत्विक ने जवाब दिया और फोन कट कर दिया। अर्पिता पलट कर वापस जाने लगी तो उसे किसी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाज आई, हमको पता है सब, अकेली औरत समझकर हमारा फायदा उठा रहे हो। एक फोन करने को बोला है तो 200 रुपया मांग रहे हो। इस शहर में नए हैं, लेकिन इस दुनिया में 56 साल पहले आ गए थे। अरे तुम्हारे जितने तो बच्चे हैं हमारे, हमसे होशियारी मत करो सुनो। और इतना रुपया एक फोन का, यही बनारस फोन करना है, अमरीका नहीं, जिसको देखो वही लूटने में लगा रहता है। आवाज सुनते ही अर्पिता बोली, माँ। उसने पलटकर देखा तो माँ एक दुकान के बाहर खड़ी थी। अर्पिता दौड़कर उनके पास गई और उसे देखकर माँ रोने लगी। अर्पिता ने उन्हें गले लगाया और गौरव को फोन करके बताया कि माँ मिल गई है और वो उन्हें कार के पास लेकर आ रही है, तो वो भी वहां पहुंच जाए। गौरव और अर्पिता ने माँ को बिना कुछ बोले कार में बिठाया और घर ले आए। घर पहुंचकर गौरव ने माँ को अच्छे से खाना खिलाया और दवाई दी। माँ को थोड़ी बहुत चोट लगी थी। गौरव अर्पिता को अलग कमरे में ले जाकर बोला, अच्छा हुआ चोट ज्यादा नहीं है, और वो ना पहले ही दुखी है, तुम प्लीज चिल्लाना मत उन पर, प्यार से पूछना सब कुछ। अर्पिता बोली, गजब हो तुम यार, एक पल में गुस्सा एक पल में प्यार, रंग बदलने में गिरगिट से भी आगे निकल गए हो तुम तो। और हमको मत सिखाओ, हम देख लेंगे कैसे बात करनी है। अर्पिता माँ के पास गई और बोली, तो सुमन देवी जी, आज जो भी ये कांड हुआ है उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी आप? अर्पिता के सवाल पूछने के तरीके से गौरव हैरान हो गया और बुदबुदाया, बस हाथ में डंडा पकड़वा दो, बिल्कुल जेलर लगेगी। माँ चुपचाप अर्पिता और गौरव को देखने लगी। अब क्या कहानी सुनाएगी माँ अर्पिता और गौरव को, और आगे क्या क्या कारनामे होंगे अर्पिता और गौरव की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट FM।